किया गया था कि ये प्रेरणा सम्मान जो है ये एक अलग सोच है और ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि प्रेरणा बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। प्रेरणा से ही इंसान आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए 100 times ब्लड डोनेट किया, तो बहुत ही बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम ब्लड वापस कैसे हमारे बॉडी में आएगा। इस तरह के काफी प्रेरणा स्रोत यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे प्रेरणा मिली है, और मुझे भी उस प्रेरणा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इससे अनुरोध करती हूँ इसी तरह की प्रेरणा स्रोत आप प्रोग्राम्स करते रहें, आपकी सफलता इस तरह से चलती रहे और आपकी संस्था और आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। समाज सेवा कर रहे हैं समाज में, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। जो भी कोई काम कर रहा है समाज में, अगर उसको बुला के इस तरीके से अगर उसको सम्मान मिलता है तो उसको और भी खुशी मिलती है और उसको प्रेरणा मिलती है और उसको बूस्ट मिलता है कि और समाज में कुछ अच्छे अच्छे काम कर सके। तो हमारे माध्यम से एक संस्था चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, उस माध्यम से भी हम लोग हमेशा आए दिन कुछ कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम हो, चाहे बेटियों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम हो, हम लोग करते रहते हैं। कल हमारा एक मीरा भाईंदर में एक बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं गुण गौरव सम्मान, जिसमें कम से कम 250 से 300 बच्चियाँ जो अच्छे नंबरों से पास होके आई हैं उनको हमारी संस्था जो है उनको सम्मानित कर रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे अतिथि आए हैं आएंगे जिसमें उनके हाथों से हम बच्चों को सम्मानित करें। किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मालूम पड़ा जब रामपाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, मुझे यहाँ आकर देख के जो वाकई में वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने कहाँ कहाँ लोगों गाँव से कहाँ कहाँ से लोगों को बुला के जो सम्मान दे रहे हैं उसके लिए बहुत खुशी हुई। वो आगे ऐसे ही करते रहे, मुझे एक शुभकामना उनके साथ, हमेशा उनके साथ रहे। और जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया वो मुझे बहुत प्रेरणा अवार्ड के तहत आज मुझे जो सम्मानित किया है उनके लिए कहने के लिए शुरुआत में ये है कि वो अपने आप में ही एक प्रेरणा है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार देने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। ये बहुत बड़ा मंच हमें देखने मिला है कि कहाँ कहाँ से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक विभाग, नाट्य मूर्तिकार, ब्लड डोनेट प्लेटनेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं मदद करके, इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म वो लोग ने बना के सबको इकट्ठी किया, एक हीरो की बोलते ना माला बना दी है उन्होंने, मोतियों की माला बना दी है और हमें उन लोगों से मिलाया है। मैं वाकई यहाँ से बहुत बड़ा प्रेरित होके ये इस प्रेरणा स्रोत के अवार्ड को नहीं, इस मंच को यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को अपने साथ एक स्मरण में लेके जा रही हूँ। बहुत सारी यहाँ से यादें लेके जा रही हूँ, बहुत सारी सीख लेके जा रही हूँ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम सरिता नाइक है। पिछले 22 सालों से मैं समाज से जुड़ी हूँ, बाद आंदोलन करके 2-3 बार जेल गई हूँ, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत छोटी हूँ यहाँ आने के बाद। यहाँ पे जो दिख रहा है आज ये लोगों के बीच में बहुत ही अस्मरणीय असीम, मतलब अति सुंदर लोगों से मुझे, मन से, उनके काम से मुझे ऐसे लोगों से आज मिलने मिला है। मैं अपने आप का बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। मैं आगे जो भी इस प्रेरणा स्रोत के किसी भी कार्यकर्ता के लिए यदि मैं काम आ सकूँ तो ये मेरा बहुत भाग्य रहेगा। धन्यवाद मेरे विचारों को आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाने के लिए या मुझे दो शब्द कहने के लिए, धन्यवाद। करते रहते हैं और काफ़ी ऐसे लोग प्रेरित करते हैं जो अलग राज्य से आकर के अपना अलग अलग नाम करते हैं। कोई कलाकार होता है, कोई मीडिया के क्षेत्र में है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। तो मैं सबसे पहले राम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा प्रेरणा कराने के लिए मुंबई में, और हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इसके कवरेज के लिए। थैंक यू। मेरा नाम रोमा शर्मा है, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, और डेफिनेटली खुशी है, किसको नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि प्रेरणा अवार्ड्स ने
ऐसे लोगों को चुना है जो शायद लीक से हटके कुछ करना चाहते हैं, बट मोस्टली समाज ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता है, बट यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है कि आप कुछ लीक से हटके करें जीवन में, विच इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर सोसाइटी में चेंज लाना है या किसी की भी लाइफ में चेंज लाना है तो किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होती है. और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेरणा अवार्ड्स का, इनके आयोजक का, मुझे इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए. थैंक यू सो मच. मेरा नाम प्रोफेसर दीप नारायण शुक्ल है. मैं पोद्दार महाविद्यालय और पोद्दार रुग्णालय में कार्य करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो आज अवार्ड दिया गया है, मैं समझता हूँ कि सेवा करना, लोगों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है. क्योंकि प्रेरणा अवार्ड सम्मानित किया गया मुझे, उस बात की तो खुशी है ही, लेकिन मेरा यह सोचना है कि काम ही सबसे बड़ा अवार्ड है. जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में निस्वार्थ होकर काम करें. जैसे मेरा चिकित्सा का क्षेत्र है, मैं प्रतिदिन रोगियों की सेवा करता हूं और अधिक से अधिक मेरे जीवन का एक नारा है कि सबसे बड़ी माया निरोगी काया, हेल्थ ही ज्वेल्थ. अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आपके पास जिंदगी में सब कुछ है. स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है. इस जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. अगर धर्म की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए भी एक सही शरीर की जरूरत होती है. अगर आपको अर्थ प्राप्ति चाहिए उसके लिए भी एक सुंदर शरीर की जरूरत होती है. अगर आपको अपनी वंश परंपरा कायम रखनी है तो उसके लिए भी एक सही शरीर की जरूरत है. मोक्ष भी उसी शरीर को मिलता है जो सही रहता है. इसलिए आदमी ने 100 काम छोड़ करके अपने शरीर का रक्षण करना चाहिए. और मैं पूरे समाज को, देश को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है अपने को निरोगी रखें, सदा निरोगी रहें, सदा हंसते रहें, मुस्कराते रहें, यही मेरा कहना है. कार्यों को लोग देखते हैं और उसे सराहते हैं, और उसे देखते हुए उनके कर्मों के आधार पर लोग सम्मान देते हैं. सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि वो समाज में और भी काम कर सके, अच्छे अच्छे काम कर सके. यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है. जैसे मैं हूँ तो इनकम्प्लीट एजुकेशन जिसे कहते हैं, शिक्षा अधूरी है, तो उसे पूरी कराने की मैं जवाबदारी लेता हूँ. लोगों को जागरूक करता हूँ कि जीवन में शिक्षा कितनी अहम भूमिका निभाती है. इसके लिए मैंने समाज में महिलाओं की शिक्षा को चुना, और जो महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं. और इतना ही नहीं, मैंने अभी एक किताब लिखी है नारी समस्याओं को लेकर के, जो 1936 में लिखी गई थी. वो किताब मेरे पास 15 से 20 किताबें मेरे पास आई हैं जो कराची पुस्तकालय में थे आज़ादी के पहले. और उस समय जो नारी की समस्या थी, स्त्रियों की समस्या थी, उस पर मैंने रिसर्च किया, शोध किया, और उस समय जो उन्होंने कल्पना की थी भविष्य की, आज वो सच में साकार हो रहा है. और महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, सच में उस समय उन्होंने वो कल्पना की थी. उस किताब में जो लिखा गया है, समस्याएं न सिर्फ भारत में थी बल्कि और भी देशों में थी, उनको जोड़ करके मैंने देखा है. और मैं उम्मीद करूँगा कि उसे लोग पढ़ेंगे और उससे प्रेरित होंगे. और मुझे प्रेरणा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ. क्योंकि प्रेरणा जो अपना संस्था है, रामपाल जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने एक ऐसे लोगों को चुना है जो वाकई इसके हकदार हैं. और वो मैंने वहाँ देखा कि वाकई जो पर्टिकुलर लोग होते हैं उनको दिया गया है. या फेस देख के किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, ऐसा मैंने नोटिस किया. बट आई एम थैंक्सफुल कि उन्होंने ये अवार्ड फंक्शन रखा और हमें बुलाया. ये हमारा सौभाग्य है कि प्रेरणा एनजीओ ने हमें चुना, और इस बात की हमें बहुत खुशी है. और मैं उनके लिए बहुत प्रे करूंगी कि उनकी एनजीओ बहुत आगे तक जाए, और ऑलवेज हमें भी ऐसे अवार्ड मिलते रहें और लोगों के अच्छे अच्छे काम वो करते रहे. साथ में हमारे भी सौभाग्य है कि हम उनके साथ मिलके भी कुछ काम करें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
पुरस्कार देने वाले हमारे गुंजन जी, राम कुमार पाल और गुरुमा जी और उसकी सब टीम को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। हर सेक्टर के इंटेलेक्चुअल लोगों को ये प्रेरणा पुरस्कार दे दिया है। अभी पुरस्कार का नाम क्या होता है कि किसी से रिश्वत लेने के लिए के नहीं, लेकिन ये असली पुरस्कार वाले लोग हैं। वैसा जो ब्लड वाले ब्लड डोनर डाडर है हमारे, सब लोग हैं, टीचर लोग हैं, जो फिल्म लाइन के एक्टर है वो भी लोग हैं, और जो जो लोगों ने हर क्षेत्र में एनजीओ में अच्छा काम किया है वही हमारे कई सिस्टर लोगों को ये पारितोषिक दिया है। तो ये लोगों से क्या दिल जुड़ जाता है, और खुद के लिए कुछ करने से हिस्ट्री नहीं बनती, दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये हिस्ट्री बनाने वाले का काम है। मैं ये ऑर्गेनाइज को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, और मैं एक साल से मैं भी जुड़ा हूँ ये ऑर्गेनाइजर के। मैं अभी अगली बार तो जुरू का ही काम करूँगा ये, क्योंकि हम पॉलिटिकल से थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के लिए जब हम फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, वैसा ही रिलैक्स होने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, दिल से लगा। और कोई भी काम दिल से करेगा तो हम सक्सेस बन जाते हैं। मैं मेरी राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से सब इंडिया के जो लोग आए हैं उसको भी धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, और उसके जो ऑर्गेनाइज टीम है उसको भी तन मन धन से मैं सहयोग करने की कोशिश करूँगा। 9 तारीख को जो नेशनल ट्रायल अवार्ड का फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन दिल्ली में है उसको भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। मैंने तो गुंजन जी का और राम कुमार पाल को बताया है कि जहाँ जगह आप बुलाएंगे, इंडिया के बाहर भी आप बुलाएंगे तो मैं आने के लिए तैयार रहूँगा। तो मैं सभी आने वाले ब्लड डोनेशन रहे, टीचर रहे और इंटेलेक्चुअल रहे, कोई मूर्ति बनाने वाले रहे, ये सब लोगों को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ मेरे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के तरफ से ही। और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंग्स टू द राष्ट्रीय समाज पार्टी, आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी, वो सभी हिसाब से मैं आपके साथ रहूँगा। देश के लिए ये लोग काम करने वाले हैं उसको थोड़ा हौसला बुलंद हो जाएगा और आगे वो देश के हित में आ जाएगा। यही मकसद के साथ मैं ये गुंजन की टीम की, राम कुमार पाल की टीम की सभी का अभिनंदन करके आपकी तहे दिल से उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक्स सो मच। वंदे मातरम। मैं कहता हूँ सब लायक मेरे साथ बैठा है, उसको आप ही डाइजेस्ट, आप जुड़े रहेंगे तो उसको आप अवार्ड देने के लिए लायक है, उसमें कोई ऐसा ना करने वाला नहीं था। ये और खुद का पैसा लगा के लोगों ने मेहनत करके किया है, ये लोगों को हौसला बुलंद हो गया, उसने इंडिया उन्हें वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे लोगों का थोड़ा हौसला बुलंद होने की काम है। तो मैं राम कुमार पाल रहे, गुंजन जी रहे, ये लोगों को मैं धन्यवाद क्यों देता हूँ। कोई पीठ के ऊपर हाथ मारने वाला तो आदमी चाहिए, जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको सुलाने के लिए जगह करती है। तो ये बच्चे के मतलब सभी देश के हित में काम करने वाले कोई रिपोर्टर रहेंगे, हमारा रिपोर्टर है बहुत, तो वो रिपोर्टर को भी थोड़ा लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, ये लोगों की जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है कि ये शील्ड मिला है, ये जो सम्मान पत्र मिला है उससे लगेंगे कि मैं समाज को धोखा नहीं दूंगा, न धोखा दे के देश के हित का जो काम करूंगा वो करने के लिए लायक बन जाएगा। तो मैं राम कुमार पाल रहे, गुंजन जी रहे, गुरुमा जी रहे, ये सब टीम है, वो दिल लगा के काम करते हैं, तो वो उसके साथ मैं भी वो टीम का कार्यकर्ता बनकर रहूँगा। आई एम नॉट लीडर, आई एम ए कैडर, इस हिसाब से मैं उसके साथ रहने की कोशिश करूँगा। और 9 तारीख को आप सभी को मैं धन्यवाद दिला रहा हूँ, इंडिया के सब कोने कोने से लोग आए, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कोई ऐसा फटाफड़ा नहीं था और किसी को उल्लू बनाने वाला नहीं। और ये तो नगरी, ये जो नगरी है तो फिल्म सिटी की नगरी है, बहुत बड़ी, आपको मालूम है कि सबसे इंडिया में ज़्यादा नाम किसको मिल जाता है, तो सेलिब्रिटी को, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है चाहे इंडस्ट्री ले, इसमें और पॉलिटिक्स में रहता है, तो पॉलिटिक्स हम अभी नाम नहीं लेने के लिए तैयार, क्योंकि पॉलिटिक्स में टेंशन ज़्यादा है, इससे बहुत रिलैक्सेशन है। इसीलिए मैं सभी का जो जो लोग इंडिया से आए हुए कोने कोने से आए लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो टीम है खुद का पैसा लगा के 8-10 दिन से मेहनत करके ये सब प्लान किया, और मीडिया लोगों को भी मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि आपके ऐसे देश के कोने कोने तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कारगिल तक ये मैसेज आप भी भेजेंगे। इसी बदौलत मैं आपको भी सभी का, मीडिया रहे, सब डिपार्टमेंट रहे और ऑर्गेनाइजेशन टीम के, प्राइड ऑफ नेशन और ये प्रेरणा पुरस्कार के लिए जो संयोजक है उसको मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, और मैं मेरी पार्टी है उसके राष्ट्रीय समाज पक्ष के तरफ से उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जानकर साहब, जानकर साहब, मध्य प्रदेश में जो बैट कांड हुआ, बैटिंग कांड, आकाश विजयवर्गीय ने जो किया, आप एनडीए के महायुति के पार्टनर हैं, कैसे देखते हैं इस बैट कांड को?
साहब मैं बताना चाहता हूँ, असलियत तो अलग है, मैं भी मिनिस्टर हूँ, सब ऑफिसर सुनते नहीं तो ही, लेकिन गलत तरीका है और कोई पार्टी भी नहीं बचाए, गलत है, लेकिन ये सोच समझ के चलना चाहिए। ब्यूरोक्रेट नहीं और लॉ मेकर और लॉ इम्प्लीमेंटर दोनों में गलत हो रहे हैं। तो लॉ मेकर जब सुझाव होता है तो रवैये से चलना चाहिए, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े से हिसाब से चलना चाहिए, उसके ज़्यादा उठाए मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। वही ऑफिसर ने कोई थोड़ी सी छोटी गलती की होगा, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि विजयवर्गीय का उसको कोई फॉल्ट नहीं है। हर आप बहुत अच्छा एडिटर है, आपके बेटे ने और बेटी ने गलती किया तो आपकी क्यों होती है, पार्टी को क्यों बदनाम करते हैं? मतलब ये मेरी सोच, कोई कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, राष्ट्रीय समाज पक्ष रहे, कोई पार्टी नहीं, एक आदमी रहता है तो वो गलत होता है तो गलत हो सकेगा। लेकिन मैं ये मुद्दा आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा हम अच्छी बातें कर रहे हैं, थोड़ा वो उजागर करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्लड डोनेशन का देश के हित में स्वच्छता अभियान अच्छा चला रहा है उसके बारे में थोड़ा बढ़ाओ। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट जलयुक्त शिवार बना रहे हैं, आदमी के लिए एम्बुलेंस रहती है लेकिन जानवरों के लिए एम्बुलेंस निकल मैंने महाराष्ट्र में बना दिया, जानवरों के लिए। ये भी सोचना चाहिए, हम जो अच्छे काम करते हैं थोड़े ठीक है, आदमी होता है गलत होता है थोड़ा सा होता है, वो नहीं होना चाहिए। हम गवर्नमेंट की शपथ लिया है, वोट लिया है, तो हमें संविधान की पूरी जानकारी जिम्मेदारी रख के हमें लफ्ज हमारे निकलना चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। और आज के टीम के राम कुमार पाल, गुंजन जी, ये सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, वो टीम में मैं भी शामिल होऊंगा, यही आपके साथ उसको वादा करूँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। पहले तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वाराणसी से यहाँ पर आया हूँ इस प्रेरणा 2019 अवार्ड के लिए, और यहाँ पे मुझे बेस्ट आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया का रिवॉर्ड दिया गया, और मैं दिल से सब लोगों को बधाई देता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे जो भी अवार्ड यहाँ पे लिया, उन्होंने निश्चित तौर से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी एरिया में एक बड़ा काम किया होगा जिसके लिए उन्हें आज सम्मानित किया गया। ये जो नेशंस प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये एक सी बुक है जिसमें उन लोगों का नाम इंगित किया जाएगा जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ किया है। क्योंकि दोस्तों, आपने ज़िंदगी में क्या पाया है इसके लिए आपको याद नहीं किया जाता है, बल्कि याद इस बात के लिए किया जाता है कि अपनी ज़िंदगी में दिया क्या है, आपने समाज के किस तबके को फ़ायदा पहुँचाया है, इस देश के लिए आपने क्या किया है, सोसाइटी के लिए आपने क्या किया है। और ये जो अवार्ड फंक्शन किया गया है, इसमें उन सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान से चुन करके लाया जा रहा है जो आइकॉन है, जो जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। और ये जो सोच जिस व्यक्ति के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं रामपाल जी को दिल से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें सभी लोगों को आने का मौका मिला और अपनी बात को रखने का मौका मिला। मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम में और सक्सेस मिले और लोग आगे बढ़ें और हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक जागरूकता फैले और लोग इसको जान पाएँ और लोग अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो सकें। ये प्रेरणा अवार्ड, इसीलिए इसका नाम शायद प्रेरणा रखा गया है, ये लोगों को इंस्पिरेशन दे, लोगों को मोटिवेशन दे। प्रकाश दुबे, भजन गाए, प्रेरणा अवार्ड से मुझे बड़ी खुशी हुई। पूरी टीम को, पूरे ज्यूरी मेंबर्स को थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा, इतना सुंदर आयोजन किया इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर कई तरह के लोगों से परिचय हुआ जिनके कार्यों के बारे में जान के बड़ी खुशी हुई। और हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समाज है कि हर व्यक्ति जो जिस लायक है उस विधा में कार्य कर रहा है, तो अपने आप में यही एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरे जीवन का एक संकल्प है कि हम सनातन धर्म के अपने धर्म ग्रंथों को गा करके लोगों में परस्पर प्रेम की प्रेरणा को जागृत करें, जिसके तहत भगवान ने हमसे पूरी रामायण गवाई, गीता जी गवाई, दुर्गा सप्तशती गवाई, 5000 से अधिक संस्कृत श्लोक गवाए। तो हम उन धार्मिक ग्रंथों से दैनिक जीवन जीने की आचार संहिता क्या है उसका वर्णन उन ग्रंथों में है। हम भाई भाई के प्रति कैसे प्रेम करें, पिता के प्रति पुत्र का क्या प्रेम है, पुत्र का पिता के प्रति क्या प्रेम है, इन सब चीज़ों को आपस में परस्पर प्रेम किस प्रकार से बांटा जाए, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश किस प्रकार से दिया जाए, इस तरह से हम सनातन धर्म ग्रंथों का गायन कर रहे हैं। भाई सुंदर अवसर पर अगर प्रेम की एक भजन हो जाए, भैया का जो वो गंगा किनारे आप गाते हो, संगम पे गाते हो, जी एक सुंदर सा भजन हो जाए। मैं एक संदेश देना चाहूँगा आज के मंच से कि हाँ, कि हमारे धर्म ग्रंथ सीख कैसे देते हैं,
कि सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले। श्री हनुमान जी कितने ताकतवर हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वो जब बोले तो मधुर वचन बोले। तो हम सब भी जीवन में जब बोले तो मधुर वचन बोले। और एक भजन हमने 2006 में गाया था, क्योंकि मैं प्रयागराज का हूँ। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लियो अवतार। जहाँ गंगा मैया जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। जहाँ पाप कटे और मुक्ति मिले, जहाँ पाप कटे और पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। हर हर महादेव। मेरा नाम प्रकाश एम नाडर है। मैं एक हाँ मैं मुंबई से रहता हूँ और मैं 26 साल से सामाजिक काम कर रहा हूँ और रक्त क्षेत्र में मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा जब 16.5-17 एज था जब से ब्लड डोनेशन चालू करी है मैंने। मैं दोनों पैर से हैंडीकेप हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो मैं बचपन से यही सोचता था कि हम विकलांग होने के बाद भी लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर मेरे मन में आया कि जो मैं काम कर सकता हूँ कि आम लोग क्यों कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं उनके पास, क्योंकि मैं जब सोचा कि जब कुछ आपदा आती है तो लोग तुरंत ब्लड ओवर फ्लो हो जाती है। समझे, अगर मुंबई में कोई बम ब्लास्ट हो गई तो इतना ब्लड हो जाता है कि 2-3 महीने ब्लड की जरूरत ही नहीं है। मतलब लोग देना चाहते हैं मगर वो ये नहीं कर पा रहे कि उसको कंटिन्यू कैसे करना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ और इस मुद्दे को लेकर मैं पूरा भारत का दौरा कर रहा हूँ। भारत का पहला विकलांग आदमी जिसने एक बहुत बड़ा एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि मेरा ब्लड पूरा देश में दौड़े। मैं खुद दौड़ नहीं सकता, मगर मेरा पूरा ब्लड पूरा देश में दौड़ेगा। जो अपना 29 राज्य है वहाँ जाके मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 18 स्टेट जाके ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और कल सुबह मैं दमन जा रहा हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। और 1 तारीख को अपने सुपरस्टार रजनीकांत है उनके हाथ से एक अवार्ड मैंने लिया था, जिसके हाथ कि दुनिया में पहले विकलांग आदमी है कि जिन्होंने 1,00,000 किलोमीटर का मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। अभी तक देश का भ्रमण कर चुका हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस मिशन में मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ के लिए मेरे को प्रेरणा दी मेरे को। अभी प्रेरणा अवार्ड से मुझे और भी मोटिवेशन हुआ मुझे। और अभी सब कैबिनेट मिनिस्टर सर बोले कि जो इशू है ब्लड के बारे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मगर गवर्नमेंट को बराबर ये इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ब्लड बहुत बड़ा इशू है। नहीं है हमारे तो ब्लड है मगर ब्लड हम टाइम पे दे ही नहीं पा रहे। और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 15,000 लोग साल के मर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का ऑन द रिकॉर्ड है। तो बहुत खराब लगता है हमें कि हम इतने लोग होते हुए भी हम ब्लड नहीं दे पा रहे। तो सरकार इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे करना चाहिए। हाल ही में 14 जून विश्व रक्तदान दिवस था, उसे कोई सेलिब्रेट नहीं किया। जब किसी जिंदगी बचाने की चीज़ में हम काम करते हैं तो उसके बड़े पैमाने पर लोगों को सम्मानित करना चाहिए था, मोटिव करना चाहिए था, बड़े बड़े रैली करना चाहिए था ताकि लोग इस मिशन से जुड़े। और इस पुरस्कार से मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत बड़ी बात है, आज कैबिनेट मिनिस्टर ने मेरे से प्रॉमिस किए कि जो मैं जो सजेशन देने जा रहा हूँ गवर्नमेंट को कि हम इस किस चीज़ को हम एक करें, क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लड बैंक एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अगर आपको अगर मलाड में ब्लड चाहिए तो आप जब तक फिजिकली वहाँ जाएंगे या फोन कर जब तक आपको ब्लड के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा वहाँ ब्लड है कि नहीं करके। पहला तो हमारा एक मांग रहता है कि
जितने भी ब्लड बैंक है सब ऑनलाइन दिखना चाहिए। इस जगह पे आप लोगों के सहयोग से मेरा दूसरा कार्यक्रम रहा है दादा साहब फाल्के के बाद, और भी मेरे ऐसे बहुत प्रयास है, कोशिश है। और हमारा दिल्ली में 9 तारीख को बड़ा अवार्ड है जिसमें 26 मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर आ रहे हैं 9 तारीख को, उसमें भी आप लोग का सहयोग मिले ये अपेक्षा करता हूँ। और यहाँ पे अगली बार बहुत बड़ा और अच्छा कार्यक्रम करने की चेष्टा है जिसमें ओनली उद्योगपति डॉक्टर्स और विकलांग और जो महिलाओं पे एसिड के अटैक हुए थे, जो सरकार ने प्रॉमिस किया कि इनको सम्मान देंगे, और ऐसी महिलाओं को किसी को सम्मान मिला नहीं, वो पूरी टीम भारत से जमा करके एसिड अटैक की ग्रसित महिलाओं का सम्मान उनको बख्शीश भी देंगे, सम्मान भी करेंगे, और फिर राजनीति वालों को जगाने का कोशिश करके आपने बहुत इनको प्रॉमिस किया लेकिन इनका सम्मान नहीं है, इनका हक नहीं दिया। ये मेरा एक प्रयास है, अगला कार्यक्रम वही होगा एसिड पीड़ित महिलाएं। नहीं तो हम 11 साल से करते आए, लेकिन पहली बार मुंबई में किए हैं, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा में करते आए। और गुंजन भैया, पुष्कर मेहता जी, ऐसी हमारी पूरी टीम है प्रेरणा आवाज की, नेशन इंडिया की, उसके तहत करते आए। अभी तक तो हम लोगों ने नेशन इंडिया में भारत के 2500 शिक्षकों को दिया है, और उसके बाद में विकलांगों को दिया है नागपुर में, दिल्ली में। अब हम अलग से प्रयास कर रहे हैं नारी में एसिड अटैक वाले जैसे ग्रसित लोगों को अवार्ड देना, सम्मान देना और समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।